वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं शक्कर पारे, मीठे मीठे जो दिवाली में बनाते हैं घर पे हर कोई। हाँ, बहुत से लोग दिवाली में ये शक्कर पारे बनाते। मुझे अभी नाम मालूम पड़ा कि इसको शक्कर पारे बोलते हैं। मैंने क्या बोला था? शंकर पारे। सच्ची में मुझे ना नहीं पता था कि भाई इसको शक्कर पारे बोलते। मैं बोला मैं आज क्या बोला शक्कर पारे? मैं बोले क्या? मैं बोला हाँ तो यही बोलते ना। बोले अरे नहीं, इसको बोलते हैं शक्कर पारे। हाँ। तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन इसे शंकर पारे बोलता है। हाँ। अभी देखो बहुत से लोग बनाते शक्कर पारे, कोई नई बात नहीं है। हाँ। लेकिन जिसको आता है वो तो बना ही लेगा। ज्यादातर दिवाली में बनता है हमारी बाजू वाली मामी बना के हमें वो शक्कर पारे और साथ में चूड़ा था ना, चूड़ा चकली लड्डू मिलता था याद है उसको। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिसको आता है वो तो बना लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरा वीडियो देख के बना लेना। हाँ। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हमें शक्कर पारे बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम मैदे का आटा, पीसी हुई शक्कर, देसी घी, रवा, नमक और पानी। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले बता दूं मैं यहाँ 2 वाटी मैदे का मैंने आटा ली हूँ छान के, और आधी वाटी ली हूँ शक्कर, ठीक है, और आधी वाटी ली हूँ घी, और 2 चम्मच मैंने रवा ली हूँ, और पानी भी मैंने आधी वाटी ही ली हूँ। अगर आपको पानी नहीं लेना है तो आप दूध ले सकते, लेकिन दूध लेंगे तो आप ज़्यादा दिन शक्कर पारे को स्टोर नहीं रख सकते, वो खराब होने का डर रहता है। अगर आप पानी से बनाते हो तो आप 2 से 3 महीना आराम से रख के खा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर मैदे का आटा। यहाँ मैं कोई भी 1 वाटी से आप भी नाप कर लेना। मैं यहाँ 2 वाटी मैदे का आटा छान के रखी थी जो कि मैंने ले ली। अब मैं इसमें डालूंगी ये 2 चम्मच मैंने रवा ली हूँ, खाने का 2 चम्मच छोटे वाले, ठीक है। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये चुटकी भर नमक। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा मिला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रवा और मैदा अच्छे से मिला ली नमक डाल के। अब क्या करेंगे हम, ये जो घी है ना, ये घी को हम यहाँ कोई भी बर्तन पे गरम कर लेंगे। यहाँ मैंने आधी वाटी घी ली हूँ, इसके वजह से कुरकुरे और अच्छे खस्ता बनते हैं शक्कर पारे, बहुत टेस्टी बनते हैं और एकदम सख्त नहीं बनते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा गरम कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर घी मेरा अच्छे से गरम हो गया है। अब क्या करेंगे हम, ये मैदे में ही डाल देंगे इस तरीके से। मैंने ये पूरा इसमें ऐड कर ली हूँ और इसको अच्छे से मिला लेंगे। गरम गरम डालना है? हाँ, इसको मैं चमचे से मिला रही हूँ, ये गरम है करके। अब हम इसको हाथ से भी अच्छे से मसल लेंगे, पूरे अच्छे मैदे में ये पूरा घी लगना चाहिए इस तरीके से। अब हमने ये इसको मिला लिए है, अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पूरे मैदे और रवे में घी अच्छे से हम लगा लें। तो यहाँ पर मैंने मैदे के अंदर घी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इस तरीके से मुट्ठी बांध के चेक कर लेना, अगर इस तरह से ये बन जाए तो समझ जाना हमने घी अच्छे से मिक्स कर लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टोप चढ़ा दी हूँ जिसमें हम ये जो आधी वाटी पानी लिए है ना ये गर्म कर लेंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं लेना, कम पानी में ही ये आटा अच्छे से गूंधा जाता है, ज़्यादा पानी की या ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आधी वाटी जो शक्कर ली हूँ ना मैं पीस के, ये हम इसमें डाल देंगे घुलने के लिए। इसको ज़रा सा मैं सिर्फ शक्कर घुले तक ही गर्म करूँगी, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है हमको। तो यहाँ पर शक्कर घुल गई है और हम गैस कर देंगे बंद, और बस इतना ही करके हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा गर्म नहीं है, बॉयल नहीं है पानी, ये हल्का हल्का ठंडा ही हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, ये पानी और ये शक्कर जो हमने मिलाए है ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि हमको आटा एकदम ज़्यादा भी पतला नहीं बनाना है। तो मैं अभी ज़रा हाथ से गूंथ लूँ अच्छे से इसको। इसको ना एकदम ऐसा सख्त डो चाहिए जैसा हम समोसा पट्टी बनाते हैं,
तो शक्कर डो एकदम बनाते हैं उसी तरीके का डो चाहिए हमको, रोटी के जैसा पतला डो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ये शक्कर और पानी मिला के ये मीठा भी हो जाएगा। आप देखें आधी बाटी पानी मेरी एक बाटी हो गई, शक्कर भी पिघल के ज़्यादा हो गया था पानी, है ना। शक्कर भी पिघलने से पतली होती है ना, इसलिए आधा बाटी पानी लेने का। तो देख रहे आप लोग, मैंने यहाँ पर पूरा आधा बाटी पानी और आधी बाटी जो शक्कर बनाई थी वो पूरा घोल मैंने इसमें ऐड कर दी। ये इस तरीके का डो बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक 10 मिनट के लिए इस तरीके से रख देंगे, ढक के इसको आराम करने देंगे 10 मिनट। तो चलो 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हमारा डो बना के रखे थे हमने रेस्ट करने के लिए। अब क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे इस तरीके से, इसका ज़रा सा ठोक पीट करेंगे इसके साथ, है ना। तो मैं इसके साथ ज़रा ये इस तरीके से करने वाली हूँ। जितना भी गुस्सा है उसको निकाल दो। अगर आपको किसी से गुस्सा है ना तो ये आटे में उसकी शक्ल देख लेना और उसको धन 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 अपना पूरा गुस्सा निकाल देना आटे में। मैं इस तरीके से इसको 2 मिनट तक पीट लूंगी। जरा आटे में मैं तो नहीं दिख रहा हूँ ना। नहीं रे मेरा बच्चा। तो चलो 2-3 मिनट तक हमने इसकी अच्छी ठोक पिटाई कर ली है ना। अब हम इसके 2 पेड़े बना लेंगे मोटे मोटे इस तरीके से, और इसको मोटा मोटा ही बेला जाता है, ठीक है, पतला पतला इसको नहीं बेला जाता है। तो एक पेड़ा हम रख देंगे हमारे बाउल में और एक को हम ले लेंगे बेलने के लिए इस तरीके से। और इसकी कोर अगर फटी ना बेलने के टाइम पे तो कोई टेंशन लेना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा कोर कोर फटती है, ठीक है। हाँ। तो यहां पर मैंने इसको बेल ली हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है हमको, ये शंकर पारे हमको मोटे ही चाहिए। क्या बोले, शंकर शक्कर पारे, वो आ जाता है शंकर पाड़ी, वो जो बोलते हैं ना मराठी में वो। तो हम क्या करेंगे, अभी इसको कट कर लेंगे। ये साइड से आपको दिख रहे थे ना खुरदरे खुरदरे, इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ये साइड से हट जाते हैं, ठीक है। हम इसको भी काट लेंगे, इसको भी हटा देंगे, ये वेस्ट नहीं होगा, इसको हम वापस से फिर से तैयार कर लेंगे। इसको हम रख देंगे इधर साइड में। अब हम इसको अपने साइज के हिसाब से कट कर लेंगे। अगर आपको त्रिकोण चाहिए आप त्रिकोण काटिए, जैसे डिजाइन में चाहिए गोल भी कर सकते हैं इसको, कोई ढक्कन लेके ये इस तरीके से। अब ये आराम से निकलेंगे, आपको बता दूं मैंने इतना मोटा रखी हूँ, आप चाहे तो इससे डबल भी रख सकते हैं, पतला भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा पतला बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अभी ये सब फ्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा पहले हमारा आटा डाल के देखते हैं हमको तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर तेल हो गया है गर्म मेरा, तो मैं इसको निकाल लूँ यहाँ, और हमने ये जो कट किए हैं इसको डाल देंगे। और यहाँ जितनी बड़ी कढ़ाई है आप उतना डाल सकते हैं, ठीक है, बस इसको डालते साथ हिलाना नहीं है, और गैस यहाँ पे हमको मीडियम से स्लो कर लेना है, क्योंकि ये तेल को अच्छा गर्म कर लेना, जब ये डालें ना हम शंकर पारे इसमें, तो क्या करना, गैस स्लो कर लेना शक्कर पारे, हाँ, क्योंकि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल जाएंगे अगर फास्ट गैस पे पकाए तो, और कुरकुरे भी नहीं बनेंगे इसके लिए। देखो मैंने एक बार एक रोटी का जो बनाई थी वो पूरा इसमें ऐड कर दी, अब इसको मैं हिलाऊंगी नहीं, 1 मिनट के बाद ही हिलाऊंगी। तो यहाँ 1 मिनट के बाद मैं इसको अभी हिलाऊंगी, देख रहे आप लोग, अब इसको अल्टी पल्टी करके हम अच्छा
सुनहरी कलर होए तक बना लेंगे। अगर दूध डालती थी ना इसमें मैं, तो इसमें ज्यादा डार्क कलर नहीं आता है, एकदम सुनहरी लाइट कलर बनता है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हम उसको ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, एक दो महीने के लिए नहीं बना सकते। पानी डालने से क्या है, थोड़ा सा कलर डार्क होता है वो अपने ऊपर है, अगर सिलो गैस पे भी बना के सुनहरी कलर में निकाल सकते हैं। और इसका शॉट कैसा है, जब हम प्याज लाल करते हैं ना बिरयानी का, जो वो कैसा निकालने के बाद में डार्क होता है, उस तरीके से ये भी निकालने के बाद डार्क होता है। तो इसको एकदम कढ़ाई में डार्क नहीं फ्राई करने का, हल्का सुनहरी होने के ऊपर निकाल लेने का। तो अभी ये पके नहीं है, अभी इसको हम और 5 मिनट तक स्लो आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पर पक गए हैं, ये तैयार हो गए हैं। हम इसको अच्छे से, और ये कैसा है मालूम, जितना ठंडा होगा ना उतना खस्ता होगा। ये जब पका के निकालेंगे तो हल्का सा नरम होता है। ये सोचेंगे आपके कड़क क्यों नहीं हुआ, कड़क क्यों नहीं हुआ, पकाते मत रहना, ये ठंडा होने के बाद खस्ता होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने दूसरा भी काट के रख लिए है, इसको भी हम डाल देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, ये दूसरा बैच भी मेरा फ्राई हो गया है। ये जरा मोटे मोटे मैंने बनाई हूँ आप लोगों को बताने के, मोटे भी बना सकते हैं, पतले भी बना सकते हैं, जैसा आपको खाना है वैसा बना लेना। ठीक है, अभी हम इसी तरीके से हमारे बचे हुए भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना शंकर पाड़े, शंकर पाड़ी शक्कर पारे। हाँ। तो ये देखो भाई, इसको जो भी बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, मराठी वर्ड है वो। हाँ देखिए, लेकिन क्या मस्त, और बोलते ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, खस्ता खस्ता बनाया मैंने। देखो आवाज, अरे आवाज यार ऐसे में ऐसी ही रहती है। और ज्यादातर ना ये मालूम कौन से शेप में आती है, वो जो काजू कतली का शेप होता है ना। हाँ। दुकानों में वैसे मिलती है ऐसे टाइप में। हाँ मैं क्या बोल रहे थे, मैं क्या बोल रही, शेप पे मत जा, खाने में एक नंबर टेस्ट है। ये बात तो है भाई, और मैं दिखाता हूँ बैठ के टाइम पास। ये दिखेगा नहीं, लेकिन आप ये जरूर बनाना, क्योंकि बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। एकदम ऐसे मस्के के जैसी टूट भी रही है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रेश फ्रेश। और जिसके दांत में दर्द है ना, वो भी सोच रहे होंगे अरे कड़म कड़म आवाज आ रही है, दांत दुखेंगे। नहीं तो कड़क नहीं, खा के देखना एकदम सॉफ्ट है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। बहुत सॉफ्ट बने हैं माशाल्लाह, एकदम। आवाज सॉरी, जरा गांव से आने में तो मेरे को खिलाना भूल गया था मैं। एकदम देखो नरम है, कोई भी खा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे बने। ये देखो आप ना भाई, चाय के साथ भी खा सकते हो, या चाय में डिप करके भी खा सकते हो। ऐसे बैठते ना अरे तू क्यों दिल पे ले लिया? नहीं मैं दिल पे नहीं ले लिया, बहुत से लोगों को लगता है कि यार हम गांव बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं यार गांव क्यों बोलते हैं, औरंगाबाद एकदम खूबसूरत सिटी है। अरे तो आप लोग क्यों बुरा मान रहे हो, मैं खुद औरंगाबाद की हूँ ना। तो भाई है सिटी, लेकिन क्या है ना, अभी हम मुंबई में रहते हैं तो हम क्या एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा गाँव कौन सा है, तुम्हारा गाँव कौन सा है। उसी तरीके से भाई हमसे भी लोग पूछते हैं कि भाई तुम कौन से गाँव के हो। अरे हम बोलते हैं औरंगाबाद के है ऐसा। हाँ आम लोग भी नहीं, बड़े बड़े लोग जैसा के पुलिस हो गए या कोई हो गए, आईडी बताओ आप कहाँ के, कौन से गांव के हैं। हाँ। रहता है हर कोई गांव च पूछता। हाँ। है तो अब तो टेंशन नहीं लेने का, हम गांव बोलते तो वो हम मानते यार लोग। हाँ सिटी है सिटी है सिटी है, ठीक है। तो हाँ मैं यही बोल रहा था कि यार वहाँ से आने के बाद ये हमारी पहली रेसिपी, और वहाँ से हमें जरा बताओ आने के बाद कैसा लगा। अरे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं तो इतना बोल बोल के थक गई हूँ घर में। लोगों का प्यार मोहब्बत और हमारे रिलेटिव स्पेशली मामू मुमानी भाभिया, जितनी भी है हमारी भाभिया भाई मामू मुमानी, बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की, और स्पेशली बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें मिले, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू उन हर एक सब्सक्राइबर को जो हमसे आके मिले टाइम निकाल के, और बहुत से लोगों ने गिफ्ट भी दिया, तो उन सभी लोगों को थैंक यू। और उन लोगों से माफी चाहती हूँ जिन लोगों से मैं मिल नहीं पाया। हाँ, हुआ मेरे से बहुत लोग कनेक्ट, कोई कोई प्लेस पे हमें जाने से थोड़ा लेट हो जा रहा था, तो क्या सब्सक्राइबर वेट करके चले गए, तो उन लोगों के लिए सॉरी।
और हाँ मेरे बच्चे लोग, जितने भी मेरे भाई के बच्चे, हाँ मेरे भाई के बच्चे बहुत छोटा है यार, हमने ना वीडियो भी डाल दिए तो भाई जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा जाके देख लेना हमारा औरंगाबाद का वीडियो, और बाकी का डिटेल वीडियो आपको मिलेगा हमारे भाई के चैनल पे, और हमारे भाई के चैनल का नाम है मिस्टर सरफराज। तो भाई देखना ना भूले, जाइए उन्हें सब्सक्राइब कीजिए और जाके हमारी औरंगाबाद की ट्रिप का वीडियो जरूर देखना। हाँ, और ये शंकर पारे, और ये शंकर पारे आप बनाना अपने दिवाली के अवसर पे, या फिर जिसको नहीं बनाना दिवाली में वो उससे पहले भी बना सकता है, कभी भी बना के खा सकते हैं। कोई भी बना सकता है, जिसकी दिवाली है वो भी बनाओ, जिसकी दिवाली नहीं है वो भी बनाओ। हाँ, नाश्ते के तौर पे बहुत मजे के लगते हैं। इंशाल्लाह मैं दिवाली स्पेशल में और एक दो डिश बताऊंगी दिवाली की, ठीक है? ठीक है, चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, ठीक है? चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना।